করতে পারে। গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ক্রিয়েটিভ সায়েন্স একাডেমি গঙ্গাপুর সিটি রাজস্থান কি তরফ সে মে শৈলেশ জয়াল ফিজিক্স ফ্যাকাল্টি ফাউন্ডেশন ডিপার্টমেন্ট আপনি সামনে ডেলি ফিজিক্স কোশ্চেন লেকে আ রা হ। जो क्वेश्चंस आपको आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसलिए मेरे जितने भी क्वेश्चंस हों उनको थोड़ा सीरियसली डेली देखें और उनको पढ़ें और उन्हें समझें। मेरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मल्टी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, और अगर आपने पिछले 25-30 साल के पेपर आईआईटी एडवांस के देखे हों तो आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, हर साल नया क्वेश्चन बन के आता है। और फिजिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जेईई एडवांस के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे डेली लाइफ में जितने इंसिडेंट होते हैं उन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। इसलिए हम डेली एक नए ऐसे ही क्वेश्चंस के क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमारे डेली लाइफ के इंसिडेंट पर बेस्ड होंगे। आज का क्वेश्चन ये है। हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोलिक मिरर दिया गया है, जिस पैराबोलिक मिरर की इक्वेशन है y² = 8x, और हमें इस पैराबोलिक मिरर की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ते दौरान कि हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं तो यहाँ पर पैराबोलिक मिरर का क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्फेरिकल मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ डिफाइन होती है वो केवल पैरेक्सियल रेस के लिए डिफाइन होती है, वहां पर मार्जिनल रेस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए ये जो मार्जिनल रेज हो चाहे पेरेक्शियल रेज हो, उन सभी रेज के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होने की वजह से हमारे जो स्फेरिकल मिरर होता है इससे बनने वाली इमेज ब्लर्ड हो जाती है, जिस घटना को स्फेरिकल एब्रेशन कहा जाता है। उस स्फेरिकल एब्रेशन से बचने के लिए ही पैराबोलिक मिरर यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे डेली लाइफ में जो यूज होने वाले मिरर्स हैं वो पैराबोलिक मिरर होते हैं, इसलिए हमने पैराबोलिक मिरर पर बेस क्वेश्चन को उठाया है यहाँ पे, क्लियर है। अब हमें पैराबोलिक मिरर में जो रेज होंगी, इंसिडेंट रेज जो होंगी, वो चाहे पैरेक्सियल हो चाहे मार्जिनल रेज हो, उन सभी के लिए फोकल लेंथ सेम होगी, जैसे कि स्फेरिकल मिरर में नहीं होती है। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ही दूर हो, मतलब मार्जिनल रेस के अंतर्गत आती हो, लेकिन फिर भी उसके लिए फोकल लेंथ और पैरेक्सियल रेस के लिए फोकल लेंथ सेम ही होगी, इसलिए हम कोई भी जनरल रे कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि ये इंसिडेंट रे y = c, तो ये जो रे है ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट फोकस होगा, और ये जो पॉइंट पोल हम मानते हैं इस पोल की उस फोकस से जो डिस्टेंस होगी वही फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो आगे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लाइट रे इंसिडेंट हुई, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल बनाएंगे तब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चलेगा, और रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए दैट इज i = r तभी हम रिफ्लेक्टेड रे बना पाएंगे। तो पहले हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाना होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी कर्व हो उस पर नॉर्मल बनाने के लिए उस पॉइंट पर पहले टेंजेंट को ड्रॉ करना होता है, तो पहले हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यह हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इस पॉइंट पर नॉर्मल का काम करेगी, तो हम इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि हमारे लिए नॉर्मल का काम करेगी। दिस इज द नॉर्मल फॉर पैराबोलिक मिरर, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो इसी रूल को सेटिस्फाई करते हुए हम ये रिफ्लेक्टेड रे बना देते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल सेम होंगे तो दोनों को आई आई हम लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस,
तो हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, पी एफ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई सबको। अब उसके बाद ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, क्या हम इस एंगल की वैल्यू बता सकते हैं क्या? देखो अल्टरनेट एंगल, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू भी आई ही होगी। क्लियर है? ठीक है, क्या हम इस एंगल की वैल्यू बता सकते हैं क्या? ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? टू आई। क्लियर है यहां तक? अब हम इस टेंजेंट का अगर स्लोप, सॉरी इस नॉर्मल लाइन का अगर स्लोप लिखना चाहें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ टेन आई। क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस ऑफ टेन आई। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, ये एंगल होगा पाई माइनस आई, और हमें जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल, दैट एंगल इज एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड स्ट्रीट लाइन। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस टेन आई। यहां तक बात क्लियर हुई? अब उसके बाद हमें ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? वाई इज इक्वल टू सी। तो क्या हम इस पॉइंट का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू सी की वैल्यू अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स के अंदर पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे सी स्क्वायर बाई एट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? सी स्क्वायर बाई एट कोमा सी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या हम इस टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं? टेंजेंट का जो स्लोप लिखा जाता है दैट इज इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स। अब डीवाई बाई डी एक्स हम इस टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे तो हमें y square is equal to 8x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, then dy by dx is equal to 8 upon 2y, then dy by dx at point c square by 8 comma c is equal to 4 upon c, 4 upon c, y की जगह c रख देंगे। तो ये हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आया। तो अगर हम इस नॉर्मल का स्लोप लिखना चाहें इसी से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस सी बाई फोर। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, तो m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो टेंजेंट का स्लोप 4 बाई सी है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? माइनस सी बाई फोर। अब हम इस टेन माइनस टेन आई को इसके बराबर लिख देते हैं, तो माइनस टेन आई इज इक्वल टू माइनस सी बाई फोर, देन टेन आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? सी बाई फोर। एक वैल्यू हमें ये पता चला। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, अब हमारे पास हमें तो क्या लेंथ निकालनी? पी एफ। अब पी एफ हमें कैलकुलेट करनी तो हमें कुछ ना कुछ और ज्योमेट्री क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, P से F तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने F कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। तो क्या हम PM कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें M पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो जो M पॉइंट होगा वो M पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एट। तो जो पीएम की वैल्यू आएगी दैट पीएम इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एट। तो हमारे पास पीएम की वैल्यू सी स्क्वायर बाई एट आ गई, तो एम एफ लिख सकते हैं हम लोग, एम एफ इज इक्वल टू एफ माइनस सी स्क्वायर बाई एट। एम एफ इज इक्वल टू एफ माइनस सी स्क्वायर बाई एट। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में, देखिए ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल वाला दिस राइट एंगल, ये जो साइड है इसकी वैल्यू सी है, मतलब इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो सी है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। तो यहां से क्या हम टेन टू वाई की वैल्यू लिख सकते हैं?
देन टेन टू आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन परपेंडिकुलर क्या है सी और बेस क्या है हमारे पास एम एफ, एम एफ मीन्स एफ माइनस सी स्क्वायर बाई एट। क्लियर है बेटा यहां तक? तो हमारे पास एक तो इक्वेशन आ गई टेन टू आई में और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास टेन आई में। तो हम इन दोनों इक्वेशन की सहायता से आई को एलिमिनेट कर देंगे और एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो टेन टू आई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं टेन टू आई इज इक्वल टू टू टेन आई अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर आई, देन टेन टू आई सी अपॉन एफ माइनस सी स्क्वायर बाई एट इज इक्वल टू टू टेन आई टू सी बाई फोर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर आई सी स्क्वायर बाई सिक्सटी। क्लियर है यहां तक? सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू से ये टू टाइम्स होगा और ये टू नीचे आ जाएगा। तो वन अपॉन एफ माइनस सी स्क्वायर बाई एट इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस सी स्क्वायर बाई एट। तो हम इससे कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू टू यूनिट। तो यहां पर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें मिला दैट इज द पैराबोलिक मिरर, उसकी हमारे पास फोकल लेंथ निकल के क्या आई टू। अब इस रिजल्ट को देख के हमें ये आइडिया लग रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ इस सी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये जो फोकल लेंथ है इस सी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो फोकल लेंथ यहां पर हमको मिली है ये कोई भी रे के लिए, कोई भी रे के लिए, चाहे वो रे पैरेक्सियल रेज हो चाहे वो रेज मार्जिनल रेज हो। ठीक है, क्लियर है? इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसको हम ट्रिक कह सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, इस पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो सब लोग जानते हैं और इसका जो फोकस होता है दैट इज इक्वल टू ए कोमा जीरो, इसका फोकस क्या होता है ए कोमा जीरो, और इसी फोकस को हम ऑप्टिकल फोकस के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं ऑप्टिकल फोकस के नाम से। तो ऑप्टिकल फोकस का मीनिंग यह होता है कि जो भी रे इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सारी की सारी रे इस पॉइंट से पास करेंगी। अब इस पॉइंट से पास करेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि ये जो ए है यही फोकल लेंथ, ये जो ए की वैल्यू है यही फोकल लेंथ है। अब अगर हम ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स जो कि पैराबोलिक मिरर की हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स देन ए इज इक्वल टू टू। तो देखो हम एक छोटी सी ट्रिक का यूज करते हुए भी ये जो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं और बहुत ही इजीली, जो कि ए जो उसका फोकल लेंथ कहलाएगी वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।